सीधी जिले में मंगलवार सुबह 7:30 बजे बड़ा हादसा हो गया। 54 यात्रियों के साथ सतना जा रही बस 22 फीट गहरी बाणगंगा नहर में गिर गई। अब तक 47 शव निकाले जा चुके हैं। माना जा रहा है कि कुछ शव बह गए हैं। रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले ही एक महिला, एक लड़की और उसके भाई ने 7 लोगों को बचा लिया। बस का ड्राइवर खुद तैरकर बाहर आ गया, जिसे बाद में हिरासत में ले लिया गया। निकाले गए 47 शवों में से 42 की पहचान कर ली गई है। सीधी हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। हादसे में मरने वालों के परिजनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। इसमें से 10-10 हजार रुपए तत्काल दिए जाएंगे। वहीं मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से परिजनों के लिए 2 लाख और गंभीर रूप से घायलों के लिए 50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। सीधी में हुई बस दुर्घटना को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दुख जताया है। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि घटना हृदय विदारक है और घटनास्थल पर बचाव कार्य के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। निवाड़ी के ओरछा तहसील की ग्राम पंचायत वसुवा के घटवाहा गांव में मंगलवार सुबह बेतवा नदी किनारे रेत खदान धंसने से 3 युवकों की मौत हो गई। करीब 1 घंटे बाद उन्हें निकाला जा सका। फिर आनंद फानम ने तीनों को झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इंदौर में इंडिगो के प्लेन के कांच में दरार आने पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ये फ्लाइट इंदौर से चेन्नई के लिए रवाना हुई थी, लेकिन कांच में दरार का पता चलने पर 22 मिनट बाद ही इसे वापस इंदौर लाया गया। विमान में 94 पैसेंजर सवार थे, सभी को दूसरे प्लेन से चेन्नई के लिए रवाना किया गया। दमोह में बस चालक को सरेआम शहर के बीच चौराहे पर 2 युवकों ने जमकर पिटा। युवक जब बस चालक की पिटाई कर रहे थे, तब बस में लोग भी बैठे थे, लेकिन किसी ने चालक को बचाने की हिम्मत नहीं की। बताया जाता है कि दोनों में बस की टाइमिंग को लेकर विवाद हुआ था। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में जल संकट गहरा गया है। अंचल के वार्ड नंबर 15 में स्थित बारा हीरा गांव में पेयजल संकट छा गया है। वार्ड की महिलाएं मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान वार्ड की महिलाएं सिर पर गुंडी रखकर पहुंची, जिसके बाद कलेक्टर के सामने अपनी समस्या बताई। कलेक्टर सौरभ सुमन आश्वासन देकर अधिकारी समस्या के निराकरण के लिए निर्देश दिए। मंगलवार को लगातार 8वें दिन भी पेट्रोल डीजल के भावों में बढ़त देखने को मिली। देश में सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में हो गया है। प्रीमियम पेट्रोल के दाम तो 100 रुपए 4 पैसे से भी आगे निकल गए हैं, जबकि सादा पेट्रोल महज 3 रुपए पीछे चल रहा है। भोपाल में पेट्रोल के दाम 97 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों मध्य प्रदेश में अपनी फिल्म धाकड़ की शूटिंग कर रही हैं, लेकिन शूटिंग से कहीं ज्यादा कंगना का मन मध्य प्रदेश की खूबसूरती ने मोह लिया है। यही नहीं, कंगना को सतपुड़ा की वादियां और एसटीआर इस कदर भाया है कि उन्होंने सतपुड़ा नेशनल पार्क को हिमाचल से भी बेहतर बता दिया है।